मूल्यांकन बैठक चाह रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता चलना क्या सूट कर रहा है इंडिया अलायंस को, जबकि वो इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में है, हार कर भी जीतने जैसा महसूस कर रहा है। पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि आज इंडिया अलायंस को लेके इतनी बातें हो रही, दो चीजें तब्दील हुई आपको मानना पड़ेगा। कई चैनल जो इंडी इंडी करते रहते थे, उन्होंने धीरे धीरे इंडिया को स्वागत किया और बोलना शुरू किया इंडिया ने। दूसरी बात, ये लड़ाई तो कभी हार जीत की थी नहीं, ये लड़ाई हमेशा थी। शुरू से ये नैरेटिव था कि 400 पार होगा कि नहीं होगा, क्या मोदी जी ने एक बार कहा कि किसी तरीके की सरकार बनानी है? नहीं, शुरू से था, अब की बार 400 पार, बस यही था ना। और हर एक चैनल हर एक जगह पे प्रश्न ये होता था कि 400 पार करेंगे कि नहीं करेंगे, कभी इसमें किसी ने ये प्रश्न उठाया था? लास्ट तक यही चलता रहा। तो ये जो एक आज आप देख रहे हैं, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि आज के दिन में ये बताया जा रहा है कि भाई ये सरकार कितने दिन चलेगी, इसके ऊपर चर्चाएं होने लगी। तो ये अपने आप में खा रहे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनकी सोच, मैं थोड़ी देर के लिए बंगाल में चला जाता हूं, सब अपने अपने प्रदेश की बात करते हैं, मैं अपने प्रदेश की बात करता हूं, बंगाल में जाता हूं, वहां पे क्या था? वहां पे तो कह ही दिया गया था सुपड़ा साहब, और किसने कहा था वहां पे हमारी लड़ाई किससे थी? वहां पे सीधे सीधे जो चेहरे जो सामने आ रहे थे वो मोदी जी का था, वो शाह जी का था, वो योगी आदित्यनाथ बार बार जा रहे थे वहां पे, तो ये बड़े बड़े नेता जा रहे थे और मान लिया गया था। जिस प्रकार का वहां पे रैली दिखाई जाती थी, दोबारा 2021 के बाद दोबारा ये चीज लोकसभा में दिखाया जाता है, 2021 हो गया कोई बात नहीं, लोकसभा में हम और बढ़ के दिखाएंगे। और खुद अमित शाह जी ने चार चार बार कहा कि वहां 40 से 34 से 35 सीट हमारे आने वाले, चलिए ये बात भी फैलाई गई। आज के दिन में वोट शेयर, कुछ लोग बहुत वोट शेयर कह रहे, प्लीज जरा बंगाल में जरा वोट शेयर देख लीजिए, 11.5% वोट शेयर सीधे सीधे डाउन हुआ बीजेपी के मामले में, मैं ये बात बोल सकता था। लेकिन यहां पे एक और बात भी है, एक बात यह है कि जिस महुआ मोइत्रा को षड्यंत्र करके निकाला गया, आज वो दोबारा चुन ली गई, और जो निशिकांत दुबे इसको पूरा चीज जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा था वो हार गए। तो यहां पे लोगों की समझ वो भी बहुत क्लियर हो रही है कि आप जो बाहर जो करते रहते हैं, अंदर बाहर की जो राजनीति जो होती रहती है, ये जो पूरा जो प्लानिंग, ये जो षड्यंत्र जो चलता है, वो भी कहीं ना कहीं जनता की समझ, जनता का जनादेश तो हम सबकी समझ से सबसे ऊपर निकला जिस तरह का मैंडेट आया। लेकिन मैं समझना ये चाहूंगी कि अब इंडिया अलायंस, अब आगे उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में ही रहेगा, या फिर नीतीश या नायडू को अपने पाले में लाने के लिए, या सरकार बनाने की कवायद जारी रहेगी? उदय जी, इसका बहुत सिंपल सी बात, देखिए इंडिया अलायंस तो इस समय किसी तरीके से अगर नीतीश नायडू दोनों जने, नीतीश जी और नायडू जी दोनों जने अगर आ जाते तो क्या वहां सरकार फॉर्म हो जाती? या एक संभावना और दिख रही है अपने आप को और मजबूत करना, इस तरह से महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं। एक प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे जरूर खड़ा होता है कि फिर मुझे ये बताइए कि हुजूर की जल्दी क्या थी कि कल सबसे पहले अपने सांसदों के साथ न बैठ के वो तुरंत पहली मीटिंग जो हुई वो नीतीश जी के साथ हुई, वो नायडू जी के साथ हुई, तुरंत इन्होंने जो है अपने अलायंसेस की बात की। लेकिन होता क्या है जनरली, पहले ये होता है कि पहले अपने सांसदों के साथ बैठा जाता है, एक सांसद अपने नेता चुनते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फाइनल हो जाता है, उसके बाद अलायंसेस की बात आती है। लेकिन यहां जल्दी क्यों पड़ी? यहां तो कोई भाई इंडिया अलायंस कोई यहां पे आके कोई कब्जा तो करने नहीं वाला था। यही तो डर है, यही डर है सिद्धार्थ, यही डर। फिर बात वही, जल्दी और आहिस्ता आहिस्ता उसी पर आ गई है। यही देखिए, जवाब ले लेती हूँ।